दोस्तों यदि आपकी एड़ी में या घुटने में लचक या मोच आई है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों एड़ी में मोच आना या घुटने में लचक आ जाना बहुत कॉमन इंजरीज में से एक है। अक्सर चलते फिरते समय हमारी एड़ी में मोच आ जाती है या घुटने में लचक आ जाती है। इसको इंस्टेंटली रिलीव करना बहुत ज़रूरी है और इसको ओवरलुक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये दर्द ज़्यादा समय तक रहने लग गया तो ये काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको प्राइस रेजिमेन के बारे में बताऊंगा जिससे आप इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हो अपनी एड़ी की मोच में। तो दोस्तों प्राइस रेजिमेन को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो वो 5 लेटर से बना होता है, PRICE। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड पेन किलर्स। दोस्तों बहुत जरूरी है यदि आपकी एड़ी में मोच आ जाए या घुटने में लचक आ जाए तो प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी होता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है आप ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे आपकी चोट एग्रेवेट हो सकती है। तो यदि आपकी एड़ी में मोच आई है तो आप चलना प्रिवेंट कीजिए, यदि घुटने में मोच आई है तो कोशिश कीजिए कि आप ना चलें, ना ज्यादा हॉप करें। तो प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ पेन किलर्स आप ले सकते हैं जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स होती हैं, पर उन पेन किलर्स को 7 दिन से ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें और जल्द ही डॉक्टरी परामर्श लें। आर का मतलब होता है रेस्ट लेना और रेफर टू अ डॉक्टर करना। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप 15-20 दिन तक महीने भर तक लेटे रहें और अपने जोड़े को रेस्ट पे रेस्ट का मतलब होता है 2 से 3 दिन तक प्रॉपर बेड रेस्ट देना जरूरी है और उसके बाद रिलेटिव रेस्ट देना है। यानी वो काम नहीं करना है जिससे चोट एग्रेवेट हो, जैसे सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, जॉगिंग करना, जंपिंग करना या भीड़ भाड़ के इलाके में चलना इत्यादि। इसके साथ साथ 3 से 4 दिन में अगर दर्द कम नहीं होता तो जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लेना या रेफरेंस टू डॉक्टर बहुत जरूरी होता है। आई का मतलब होता है आइसिंग करना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि इंजरी के 48 आवर्स के अंदर अंदर आइसिंग देना बहुत लाभदायक होता है। आइसिंग उस एरिया को टेम्परली नम्ब कर देता है टेम्परेचर कम करके, और इस टेम्परेचर के कम हो जाने की वजह से उसके आसपास जो खून आ रहा होता है वेसल्स के थ्रू वो कम हो जाता है कंस्ट्रिक्शन की वजह से, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, लालिमा कम हो जाती है और लोकलाइज इंजरी बढ़ने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सी का मतलब है कंप्रेशन। कंप्रेशन माने क्रेप बैंडेज यूज करके कंप्रेशन देना। उस लोकलाइज कंप्रेशन देने से आप स्वेलिंग को बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जिससे इंटर्न पेन काफी हद तक कम होता है। ये लोकलाइज कंप्रेशन या क्रेप बैंडेज लगाने की स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है जो हम अन्य वीडियोज में आपके साथ शेयर करके आपको बताएंगे। ई का मतलब होता है एलिवेशन रखना। दोस्तों ग्रेविटी भी बहुत हद तक हमारी स्वेलिंग को कम कर सकती है और इसको कम करने के लिए पांव को एलिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप सोएं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपके पांव के नीचे की तरफ 2 से 3 तकिए रखे होने चाहिए, या जब आप बैठें तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप पांव झुला के ना बैठें, पांव को एक स्टूल के ऊपर रखें या पांव को फैला के बैठें। तो दोस्तों यदि आप इस प्राइस रेजिमेन को फॉलो करेंगे तो आपकी 90-95% तक इंजरी कम हो जाएगी। पर यदि आपकी इंजरी कम नहीं हो रही है तो अपने निकटतम साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे कांटेक्ट करें या नियर बाय डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। दोस्तों आप जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। हम हमारे यूट्यूब चैनल साउल ऑर्थो केयर पर ऐसी जानकारी भरे वीडियोज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। थैंक यू।